Assalamualaikum TF Speaks YouTube चैनल और Facebook पेज के सभी व्यूअर्स को तहे दिल से खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में जारी है चैंपियंस कप 2024, जिसके पहले मुकाबले में टीम वॉल्व्स और टीम पैंथर्स टकरा रही हैं, जबकि दूसरा मैच जिसको हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं टीम लायंस और टीम स्टालियंस के दरमियान अलामा इकबाल क्रिकेट स्टेडियम फैसलाबाद में जुम्मा की दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। इस मैच के रिलेटेड predictions, analysis, teams analysis, venue analysis और इस मैच के रिलेटेड तमाम तर अहम मालूमात सब पे बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस venue analysis को कि यहाँ पे scenarios क्या रहे अलामा इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों, इस मैदान पे इंटरनेशनल क्रिकेट के टोटल 16 ODI मैचेस खेले गए। 8 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली और 8 मैचेस में बाद में बैटिंग करने वाली टीम को कामयाबी मिली। अगर यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 228 रन हैं। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे टीम पाकिस्तान स्कोर की है, जो 314/7 है, जबकि लोएस्ट स्कोर यहाँ टीम वेस्ट इंडीज ने बनाए 151/10। अगर हम इस वेन्यू पे खेले गए 16 मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालें तो दोस्तों, 4 मैचेस में रन 200 से कम रहे, 8 मैचेस ऐसे थे जब रन 201 और 249 के दरमियान गए, 250 से 299 तक रन 3 मरतबा बने, जबकि एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब रन 300 से क्रॉस कर गए। अगर हम इस वेन्यू के एनालिसिस के बाद बात करें यहाँ टीम लायंस और टीम स्टालियंस की कि कौन सी टीम हमें यहाँ तगड़ी दिखाई देती है, कौन सी टीम में कौन से प्लेयर्स खेलते दिखाई देंगे हमें और कौन से बड़े नाम हमें इस मैच नंबर 2 में देखने मिलेंगे, तो अब हम बात करें प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो टीम लायंस जिसके कैप्टन होंगे शाहीन शाह अफरीदी, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, उमैर बिन यूसुफ, रोहेल नजीर, मोहम्मद ताहा, आमिर यमीन, आमिर जमाल, फैसल अकरम, मोहम्मद असगर और अहमद दानियाल इस टीम लायंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं। और अगर हम इनके अगेंस्ट टीम स्टालियंस की बात करें, जहां पे मेंटोर हैं द लेजेंड द स्मार्ट शुएब मलिक और कैप्टन मोहम्मद हारिस, इसके अलावा टीम में शामिल होंगे शान मसूद, बाबर आजम, तैयब ताहिर, हुसैन तलत, साद खान, जहांदार खान, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर खान और उबैद शाह। ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो हमें टीम स्टालियंस की तरफ से खेलते दिखाई देंगे इस मैच नंबर 2 में। और अगर हम बात करें दोनों टीम्स के की प्लेयर्स की कि कौन से खिलाड़ी हमें यहाँ पे चेंज क्रिएट करते दिखाई देते हैं अपनी अपनी टीम के लिए, तो टीम स्टालियंस पे नजर डालें तो यहाँ बैटर्स में एक ही नाम आता है, जहां बाबर आजम हो वहां कोई दूसरा नाम आता नहीं है। तो बाबर आजम, जिन्होंने फर्स्ट क्लास के 91 मैचेस में 6014 रन स्कोर किए, 55.5 का स्ट्राइक रेट रहा। ऑलराउंडर्स में हुसैन तलत, 69 मैचेस फर्स्ट क्लास के खेले, 3711 रन और 59 विकेट्स। बॉलर्स में हारिस रऊफ का नाम आता है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास के 9 मैचेस खेले, 32 खिलाड़ियों को आउट किया और 3.80 इनका इकोनॉमी रेट रहा। अगर हम इनके अगेंस्ट टीम लायंस की बात करें, जहां कैप्टेंसी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो बैटर्स में पहला नाम आता है यहां इमाम हक का, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 77 इनिंग्स में 4630 रन स्कोर किए, 45.7 का स्ट्राइक रेट रहा। ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल, 33 इनिंग्स में 868 रन और 95 विकेट्स हासिल की। और अगर यहाँ पे बॉलर्स की बात की जाए तो कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी यहाँ सर फहरिस्त हैं, 39 मैचेस में 155 खिलाड़ियों को आउट किया और 3.14 इनका इकोनॉमी रेट रहा। तो ये दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स हैं जो हमें इस मैच नंबर 2 में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नजर आ सकते हैं। तो अब अगर हम टीम्स एनालिसिस और वैल्यू एनालिसिस के बाद बढ़े मैच प्रेडिक्शंस की जानिब, तो फ्रॉम स्टैट्स ऑफ प्लेयर्स, हमने इन प्लेयर्स के स्टैट्स देखे तो हमारे व्यूज, हमारी प्रेडिक्शंस, टीम स्टालियंस इज ए स्ट्रॉन्ग टीम फॉर विनिंग दिस मैच। तो लेट्स सी क्या मोहम्मद हारिस शाहीन शाह की टीम को हरा पाते हैं या शाहीन शाह अफरीदी की टीम टीम स्टालियन को मैच हरा देगी।